अर्घ दे दीजिए, जल थोड़ा सा गिरवा दीजिए भूमि पर। ओम मा स्यो न पृथ्वी नो भव सर्वोपचारार्थी मानि गंधक चतुष्पाणि समर्पयामि। शिला पूजनं च सर्वोपचारार्थी मानि गंधक चतुष्पाणि समर्पयामि। शिला अधिष्ठात्रि देवेभ्यो नमः। अब पूरब का शिला दीजिए। ओम सर सर को दीजिए। कृपया आगंतुकों को पीछे से एंट्री दे दीजिए, यहां से थोड़ा रोक दीजिए। मुख्य अतिथि महोदय का आगमन होने वाला है, सभी आगंतुकों को पीछे से एंट्री दीजिए। तो इस वक्त की तस्वीरें हम लखनऊ से देख रहे हैं, जहां गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वहां पर उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेस का लिए भूमि पूजन किया है। लखनऊ की तहसील सरोजनगर में 50 एकड़। तो ये तस्वीरें इस वक्त लखनऊ से हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर फॉरेंसिक साइंस इंस्टीट्यूट की आधारशिला का कार्यक्रम चल रहा है, और वहीं आधारशिला के कार्यक्रम में पूजन का काम इस वक्त चल रहा है। योगी आदित्यनाथ आपको अमित शाह के साथ इस वक्त नजर आ रहे हैं, और इसके साथ ही आगे कई कार्यक्रम आज अमित शाह के हैं। इसमें काशी विश्वनाथ मंदिर भी वो जाएंगे, विंध्याचल कॉरिडोर का शिलान्यास भी अमित शाह करने वाले हैं। फिलहाल साइंस इंस्टीट्यूट में है और आधारशिला उसी की रखी जा रही है। लखनऊ से लाइव तस्वीरें अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की इस वक्त आप देख रहे हैं। देखिए पूजा अर्चना का कार्यक्रम लगभग खत्म हो चुका है और मिशन यूपी के लिए पहुंच चुके हैं अमित शाह, और फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट का भूमि पूजन किया अमित शाह ने। उनके साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे और विधि विधान के साथ भूमि पूजन किया गया है। कई योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण आज अमित शाह करने वाले हैं। इसके साथ ही वो मिर्जापुर भी जाएंगे, उनका कार्यक्रम तय है, जहां पर 1 से 2 घंटे वो रहने वाले हैं। लेकिन फिलहाल मिशन यूपी के आगाज के लिए लखनऊ पहुंच चुके हैं और लाइव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। यहां पर पौधारोपण का कार्यक्रम भी हो रहा है, जिसकी लाइव तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। लखनऊ के बाद मिर्जापुर जाएंगे, वाराणसी भी वो जाएंगे। तैयारियों का जायजा लिया जा चुका है, तैयारियां फुल प्रूफ की गई हैं अमित शाह के इस दौरे को देखते हुए। फिलहाल फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट में भूमि पूजन का कार्यक्रम है, पूजा अर्चना हो चुकी है, पौधा रोपण का कार्यक्रम भी इस वक्त हो रहा है, कई योजनाओं का शिलान्यास भी वो करने वाले हैं। मिर्जापुर में खासतौर पर जब वो जाएंगे तो वहां पर विंध्य कॉरिडोर
जिसकी शुरुआत करेंगे। पहले फेज का ये निर्माण होगा और बहुत महत्वपूर्ण इसे माना जा रहा है, 128 करोड़ इसकी लागत बताई जाएगी। विंध्याचल कॉरिडोर जिसका शिलान्यास अमित शाह करने वाले हैं, लेकिन अभी साइंस इंस्टीट्यूट में है और उसी का भूमि पूजन अमित शाह ने किया है, जिसमें उनके साथ योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे। फिर उसके बाद मिर्जापुर जाएंगे, वाराणसी जाएंगे अमित शाह, जिसमें कई कार्यक्रमों को संबोधित करने वाले हैं। लोकार्पण और भूमि पूजन का आज कार्यक्रम है, काशी विश्वनाथ मंदिर भी जाने का कार्यक्रम अमित शाह का। और मेरे सहयोगी मनीष इस पर और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, तस्वीरें हम देख रहे हैं फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट से लाइव, इस वक्त अमित शाह भूमि पूजन हो चुका है, पूजा अर्चना, पौधारोपण का कार्यक्रम, और जरा तस्वीरों को डिस्क्राइब कीजिए आगे का कार्यक्रम अमित शाह का, मिशन यूपी के तहत कितना महत्वपूर्ण। देखिए, चूंकि आज लंबी अर्थ की जरूरत महसूस की जा रही है कि फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट यूपी में होनी चाहिए, लखनऊ में होनी चाहिए, तो उसी को आज आधार देते हुए अमित शाह यहाँ लखनऊ पहुंचे हैं। भूमि पूजन हो चुका है, वृक्षारोपण कर रहे हैं, इसके बाद किसी कार्यक्रम स्थल पहुंचेंगे, वहां पर योगी आदित्यनाथ के साथ एक जनसभा है। इसके अलावा यहाँ से सीपीआई में जो मुख्यमंत्री कल्याण सिंह भर्ती है उनको देखने भी अमित शाह जाएंगे, उसके बाद मिर्जापुर के बाद कॉरिडोर है उसके कार्यक्रम में डिस्कस करने पहुंचेंगे। हालांकि वहां पर उन्हें 2 बजे पहुंचना था, लेकिन कार्यक्रम थोड़ा देर हुआ है, वहां पर लगभग 2:30 से 3 बजे के बीच पहुंचेंगे और वहां पर जो कार्यक्रम है उसको निपटाने के बाद वाराणसी में जाकर काशी विश्वनाथ बाबा के दर्शन करने के बाद दिल्ली रवाना हो जाएंगे। क्या मनीष, कहीं संबोधन का भी कार्यक्रम है अमित शाह का आज? जो फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट कार्यक्रम है उसमें अमित शाह संबोधित जो यूपी सरकार के मंत्री है वो यहाँ पहुंचे हैं, क्योंकि पुलिस डिपार्टमेंट के लिहाज से एक बड़ा कदम है, एक बड़ा फैसला आज हुआ है, उस फैसले को आज आकार दिया जा रहा है, तो ऐसे में तमाम जो पुलिस के कर्मी है वो भी उत्साहित है और उनको संबोधित करने के बाद अमित शाह से पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह जो की पीजीआई में भर्ती है उनको देखने जाएंगे। बीते दौरे में जेपी नड्डा यहाँ पर उन्हें देखने पहुंचे थे, बड़े नेताओं ने यहाँ देखने पहुंचे थे, पीएम नरेंद्र मोदी ने फोन पर उनका हालचाल उनके परिवारजनों से जाना था और क्योंकि अमित शाह आज लखनऊ में है तो उन्हें देखने के बाद ही मिर्जापुर रवाना होंगे। बिल्कुल, और जितनी सौगात देने का आज कार्यक्रम अमित शाह लेकर पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश, मनीष ये कितनी बड़ी सौगात है और 2022 के लिहाज से इसे कितना महत्वपूर्ण माना जाए? देखिए, योगी सरकार की एक रणनीति है, चूंकि चुनावों में बहुत कम समय बचा है, ऐसे में जितने भी प्रोजेक्ट हैं जिनके या तो शिलान्यास होने हैं या फिर वो तकरीबन पूरे होने की ओर है, तो सरकार चाहती है कि उन्हें बजट का आवंटन करें। इन 6 महीनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह या फिर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीएम योगी आदित्यनाथ को इन सभी से उनका इनॉग्रेशन करा लिया जाए, ताकि जनता के बीच जब वो जाए, देखिए मंच पर अमित शाह पहुंच गए, योगी आदित्यनाथ भी है, बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं, बहुत अहम हो जाता है। लखनऊ की बड़ी सौगात है और पुलिस डिपार्टमेंट के लिए खास तौर पर इन्वेस्टिगेशन के जो तमाम नए तरीके आए हैं तो उसमें यूपी पुलिस ना पिछड़े, उसके कारण रखते हुए स्थापना बहुत जरूरी थी और आज उसके आधार देते हुए अमित शाह यहाँ पर नजर आ रहे हैं। ये मनीष, अब क्या होगा, अब अमित शाह मंच पर हमको दिख रहे हैं, इसके बाद आगे क्या कार्यक्रम यहीं पर? उनका स्वागत, देखिए यहाँ पे जो तमाम पुलिस अधिकारी हैं, योगी सरकार के मंत्री इस कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे हैं, जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो भी हैं, यहाँ पर एक संबोधन होगा अमित शाह का, करीब आधे घंटे का ये पूरा कार्यक्रम रखा गया है, सीएम योगी आदित्यनाथ और उसके बाद अमित शाह लोगों को संबोधित करेंगे। जो पुलिस खास चीज है, इसे किस तरीके से फायदा इसे इन्वेस्टिगेशन में लिया जा सकता है, नए पुलिस कर्मियों को कैसे प्रशिक्षित किया जा सकता है, जो नए युवा इस क्षेत्र में जो कैरियर बनाना चाहे उनके लिए बड़ा मौका उपलब्ध होगा, इन सारी चीजों के बारे में अमित शाह यहाँ पर अपने स्पीच में बताएंगे। जो यूपी भर के पुलिस अधिकारी भी यहाँ पहुंचे हुए हैं, उनको खासतौर पर इस कार्यक्रम में बुलाया गया था, उनके लिहाज से ये बहुत बड़ा कदम आज यहाँ पर उठाया गया। बिल्कुल, देखिए उनका स्वागत किया गया है और उन्हें शॉल पहनाई गई है, एक टोकन उन्हें दिया गया है, ये तस्वीरें इस वक्त हम देख रहे हैं। लेकिन इस मिशन यूपी के बीच में ये जो कार्यक्रम अभी आधे घंटे का संबोधन होने वाला है, मनीष ये इतना महत्वपूर्ण कैसे हो जाता है? देखिए, चूंकि सरकार के 6 महीने का समय है और इन 6 महीनों में जो उसने कामकाज किए हैं, जो प्रोजेक्ट पूरे होने हैं और जो जिन प्रोजेक्ट का उसने आधार रखा है उनका, उन प्रोजेक्ट के बारे में किया
मनीष एक बार फिर से हम आपको कनेक्ट करेंगे, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, तब तक तस्वीरें हम दिखा देते हैं, मनीष को रिकनेक्ट करेंगे हम। तो ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं लखनऊ से लाइव तस्वीरें, और जैसा कि मनीष बता रहे थे कि आधे घंटे का यहाँ पर संबोधन होगा फॉरेंसिक साइंस इंस्टीट्यूट, जिसकी आधारशिला का कार्यक्रम अभी अभी हुआ है, पूजा अर्चना के साथ बाकायदा विधि विधान के साथ ये आधारशिला रखी गई है, और इसके बाद मिर्जापुर और वाराणसी जाने का भी कार्यक्रम अमित शाह का है। इसी बीच में ये संबोधन भी है यूपी मिशन के तहत 2022 के तहत, अमित शाह का ये दौरा बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है, और इसके साथ ही कई कार्यक्रम है, जैसा कि थोड़ी देर बाद मिर्जापुर के लिए रवाना हो जाएंगे, और मिर्जापुर पहुंचने के बाद विंध्यवासिनी मंदिर के लिए भी रवाना होंगे, वहां पर भी पूजा अर्चना का कार्यक्रम है, विंध्यवासिनी कॉरिडोर परियोजना का शिलान्यास है, रोपवे सहित कई और ऐसे कार्यक्रम है, योजनाएं हैं जिनका लोकार्पण अमित शाह के द्वारा आज किया जाना है इस कार्यक्रम के दौरान, जिसकी शुरुआत लखनऊ पहुंचकर हुई है। और मनीष जैसा कि जिक्र कर रहे थे, ये जो भूमि पूजन किया गया है आज, ये बहुत मच अवेटेड था, यानी कि काफी वक्त से इसका इंतजार किया जा रहा था, और इसीलिए इसे काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, काफी कम वक्त उत्तर प्रदेश के चुनाव को देखते हुए, और उससे पहले अमित शाह का ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। विंध्याचल कॉरिडोर का भी शिलान्यास अमित शाह करने वाले हैं, वो भी मच अवेटेड था, बहुत लंबे वक्त से उसका इंतजार हो रहा था, इसलिए जितनी भी परियोजनाएं हैं, जितने भी पेंडिंग प्रोजेक्ट्स हैं, उनकी या तो आधारशिला या भूमि पूजन जिसको जल्द से जल्द निपटाया जाएगा, पूरा किया जाएगा, और अमित शाह उसी के लिए पहुंच चुके हैं। फॉरेंसिक साइंस इंस्टीट्यूट की आधारशिला रखी जा चुकी है, और इस वक्त मंच पर तस्वीरें आपको नजर आ रही हैं, अमित शाह मौजूद हैं, योगी आदित्यनाथ भी मंच पर आपको नजर